राज्य में शानदार और सस्ते रिहायशी मंसूबे शंगरेला सिटी ने डीलर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में एमएल डेवलपर्स की जाने से शंगरेला सिटी के मास्टर प्लान और मुस्तकबिली सरगर्मियों के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। अब्दुल बासित की रिपोर्ट देखिए। कराची में बहुत कम ऐसे रिहायशी मंसूबे हैं जो शहरियों के साथ अपने डीलर्स के दिलों में भी जगह बनाए हुए हैं। इन मंसूबों में शंगरेला सिटी सरह फहरिस्त है। एमडीएस टीम 45 में वाकई शंगरेला सिटी शहर कायद की प्राइम लोकेशन पर अपना ख्वाबों का घर तामीर करने का एक शानदार और सस्ता रिहायशी मंसूबा है, जिसे एमएल डेवलपर्स की तरफ से पेश किया जा रहा है। डीलर कन्वेंशन में एमएल डेवलपर्स के सीईओ सैयद मोहम्मद अफजल हमीद का कहना था कि शंगरेला सिटी को जदीद तर्ज पर प्लान कर रहे हैं, जहाँ तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर होंगी। हमारी स्कीम शंगरेला सिटी के नाम से आज का जो इवेंट है वो उसी रेफरेंस से है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ चीजों को डिलीवर करें, जो कुछ काम हम कर रहे हैं वो उन तक उसकी मालूमात वो उनको दें, और वो तमाम वहां पे वो चीजें उन्हें मिले जो एक अच्छी हाउसिंग स्कीम के अंदर होनी चाहिए। उसी को ही हमने एक सामने अपने टारगेट करते हुए ये हाउसिंग स्कीम प्लान की है। अलमेराज मार्केटिंग के सीईओ मोहम्मद काशान सिद्दीकी ने कन्वेंशन में शरीक तमाम डीलर का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि रियल एस्टेट के शोबे को मजीद तामीरी और सूदमंद बनाने की जरूरत है, और इसके लिए हम रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसमें नौजवानों को आगे बढ़ने और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ अब्दुल बासित, जीटीवी न्यूज़, कराची।